नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y56 5G मोबाइल में ऐप को लॉक कैसे किया जाएगा। दोस्तों ऐप को लॉक करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाना तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है। अगर आप 6 अंकों का नहीं बनाना चाहते हो, पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप 4 अंकों का बना सकते हो और पैटर्न में भी रख सकते हो। तो यहाँ पैटर्न में रखेंगे, पैटर्न पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी पैटर्न रखना है वो बना लेना है, कन्फर्म कर देना है सेम वही पैटर्न। अब दोस्तों सिक्योरिटी आंसर में आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। अब दोस्तों सिक्योरिटी आंसर में लिखने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सक्सेसफुली आपका प्राइवेसी पासवर्ड बन जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। जिसको भी आपको लॉक करना है उसके सामने टिक इनेबल करना है। तो यहाँ से हम अपना गूगल प्ले स्टोर लॉक करेंगे, इसके सामने टिक इनेबल कर देंगे तो सक्सेसफुली हमारा गूगल प्ले स्टोर लॉक हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखा देते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर। तो दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं, ये रहा गूगल प्ले स्टोर, इस पर मैंने क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हो जो मैंने वहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड बनाया था वो जैसे डाल देंगे तो दोस्तों हमारा गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो Y56 5G मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।